हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले थर्मल इंजीनियरिंग की। ठीक है, इससे पहले थर्मल इंजीनियरिंग की अपनी कई सारी क्लास हो चुकी, अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो दोस्त, जो आज का वीडियो है वो आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग का जो आपका फिफ्थ चैप्टर है उस पर जो आपका टॉपिक है वो क्या है, स्टीम जनरेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पर आपके पूछा भी जा चुका है। कहने का मतलब ये कि आपको इसमें बताना है भाप का उत्पादन आपका कैसे होता है, जो आपकी स्टीम है वो कैसे बनती है, किन किन प्रोसेस उसमें होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, यही सब आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप एक दोस्त डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, तो डायग्राम से काफ़ी कुछ ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। जो कुछ क्लियर नहीं होगा इसकी थ्योरी से मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपकी ये वर्टिकल वाली लाइन है दोस्त, ये कौन सी लाइन है आपकी, ये टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, और जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी कौन सी है, ये हीट लाइन है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो आपकी ये वाली ऐसे लाइन दी गई हुई है ये कौन सी है, ये आपकी सेंसिबल हीट की है, ठीक है, ये आपकी सेंसिबल हीट है। तो सेंसिबल हीट की डिफिनेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है, हिंदी में इसको श्रेय ऊष्मा भी बोलते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था में दी गई ऊष्मा जिसमें उसका तापमान बढ़े, श्रेय ऊष्मा कहते हैं, तो ये आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद जब यहाँ पर ये जो आपकी ये वाली दी गई है हॉरिजॉन्टल पर, ये क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपकी क्या होती है, हिंदी में बात करें तो गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा पदार्थ की क्या कहलाती है दोस्त, गुप्त ऊष्मा कहलाती। बट जो आपका अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा दोस्त, हमेशा नियत रहता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है दोस्त वो कितना है, 273 है, और जब ये एस पॉइंट पर आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एस से टी पॉइंट पर इसका 373 हो जाता है, और जब ये यू पॉइंट पर आता है तो क्या हो जाता है, सुपर हीटेड हो जाता है। ऐसे ये पूरी प्रोसेस चलती रहती, पहले इसको हम सेंसिबल हीट देते हैं, फिर क्यू से आर प्रोसेस में इसे हम लेटेंट हीट देते हैं, फिर आर से एस प्रोसेस में इसे हम सेंसिबल हीट दे देते हैं, और फिर एस से टी प्रोसेस में लेटेंट हीट देते हैं, और फिर टी से यू प्रोसेस में हम सेंसिबल हीट देते हैं। तो ऐसे ही पूरी प्रोसेस ये आपकी चलती रहती है। अब इसको डायग्राम से आपने समझ लिया, अब इसकी जो थ्योरी है तो उससे आपको समझे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसकी थ्योरी से आपका, और बोर्ड एग्जाम पर काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। भाप निर्माण के निर्माण में प्रयुक्त चरण, मतलब कि भाप के निर्माण में प्रयुक्त स्टेप, ठीक है, स्थिर दाब पर बर्फ को गर्म करके भाप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को चित्र में दिखाया गया। कहने का मतलब जो आपका प्रेशर है दोस्त वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। इसमें जो क्या है, हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करके भाप में परिवर्तित करने की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में चित्र में आपको दिखाया गया था, जो कि आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। भाप बनाने की प्रक्रिया का तापमान इंथैल्पी ग्राफ दिखाया गया है, जैसा कि डायग्राम पे आपने देख रखा है। तो दोस्त अब बात कर लेते हैं स्टेप की। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको क्या दे रहा है, पी से क्यू दे रहा है, जिसमें क्या है आपकी सेंसिबल हीट है, ठीक है। तो दोस्त स्टेप फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, चरण पी क्यू। इस चरण के दौरान स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की बर्फ को ऊष्मा प्रदान की जाती है। कहने का मतलब जो आपका पी क्यू चरण है, इस चरण में स्थिर दाब पर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर किसी निश्चित द्रव्यमान की बर्फ को ऊष्मा प्रदान की जाती है, जिसके कारण उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। जो इसका आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्यू आर, जो आपका इसका नेक्स्ट चरण है वो क्या है, क्यू आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको कौन सी हीट दी जाने वाली दोस्त, लेटेंट हीट दी जाएगी, ठीक है। तो आपका जो इसमें स्टेप नेक्स्ट है चरण क्यू आर, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्यू आर, इस चरण के दौरान ऊष्मा के कारण संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रम के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, जो आपकी क्यू और आर चरण है, जब इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें जब हम बर्फ को ऊष्मा दी जाती है तो क्या होती है, जो आपकी बर्फ होती है, संपूर्ण बर्फ जो क्या होती है, वो जल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रम के दौरान जो दी गई ऊष्मा होती है दोस्त, वो कौन सी ऊष्मा होती है, आपकी लेटेंट हीट
हीट होती है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की बात करने वाले हैं आर से एस, तो इसमें आपकी कौन सी हीट दी जाएगी, सेंसिबल हीट दी जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। सतत ऊष्मा प्रवाह के कारण जल के तापमान में वृद्धि होती, कहने का मतलब लगातार ऊष्मा प्रवाह के कारण जल के जो तापमान होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तथा यह तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इस अवस्था में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। तो कहने का मतलब ये लगातार जब हम ऊष्मा प्रदान करते रहेंगे तो जो जल होगा उसका क्या होगा दोस्त, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। एक कंडीशन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब उसके बाद कुछ टाइम बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। तो आपका जो आर और एस चरण है इसमें इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो आपका 100 डिग्री होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट चरण की, एस टी चरण। इस चरण में क्या होगा आपका, देखिए एस टी चरण में बिंदु एस के बाद जब जल की ऊष्मा को और बढ़ाया जाता है, कहने का मतलब बिंदु एस के बाद जब जल को और अधिक ऊष्मा दी जाती है तो जल का क्या होने लगता है, जल का वाष्पन होने लगता है। इसके बाद जल वाष्प में बदल जाती है। तो जब एस पॉइंट के बाद जल को और अधिक ऊष्मा दी जाती है तो जल का वाष्पन होने लगता है, इसके बाद जल वाष्प में बदल जाती है। इस चरण के दौरान ताप स्थिर रहता है तथा वाष्प में कुछ जल के कण मौजूद रहते हैं। इस अवस्था में जो है आपका क्या है, तथा वाष्प में कुछ जो जल के कण है क्या दोस्त, मौजूद रहते हैं। तथा इस चरण के दौरान दी गई ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस अवस्था में आपको कौन सी ऊष्मा दी जाती है, गुप्त ऊष्मा दी जाती है, लेटेंट हीट। तो दोस्त इसका जो नेक्स्ट चरण है और जो आखिरी स्टेप है वो क्या है आपका, टी यू। आप जब डायग्राम के साथ इसको समझते हुए चलेंगे लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और एक बार पढ़ते ही आपको पूरा आ जाएगा। टी यू स्टेप पे आपका क्या होने वाला है, जब हम भाप को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जब हम भाप को क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो इसका जो तापमान भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब हम भाप को ऊष्मा प्रदान करते रहते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है दोस्त वो भी बढ़ने लगता है। इस प्रक्रम को अतितापन कहते हैं। तथा इस प्रक्रम के दौरान बनी भाप को अतितापन भाप कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इस प्रक्रम के दौरान जो भाप बनती है वो आपकी कौन सी भाप कहलाती है, अतितापन भाप कहा जाता है। इस चरण के दौरान तापमान को अतितप्त कोटि भी कहते हैं। जो इस चरण के दौरान जो आपका तापमान होता है उसे अतितप्त कोटि भी कहते हैं। इस चरण के दौरान बनी भाप जो है आपकी, तो जो आपके बॉयल्स नहीं होते हैं वो जो आपके बॉयलर होते हैं, बॉयल्स तथा जो चार्ल्स के नियम का पालन करती है। तो जो आपका दोस्त इसके दौरान जो बनती है भाप वो किसका पालन करती है, आपके बॉयल्स का जो आपका नियम होता है और चार्ल्स का नियम होता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके बॉयल्स और चार्ल्स के नियम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पर दोनों एक साथ हमेशा पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं 5-5 नंबर पर। तो दोस्त इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या है वो, अतितप्त भाप के क्या लाभ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर या फिर उससे पिछले वाले ईयर पर पूछा गया था अतितप्त भाप के क्या लाभ हैं, पूरे 5 नंबर पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए भाप को अतितप्त करने के लाभ जो इस विषय के अंतर्गत आते हैं निम्न प्रकार हैं। अतितप्त भाप में ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती, जो आपकी अतितप्त भाप होती है, सुपर हीटेड स्टीम जो आपकी होती है उसमें जो ऊष्मा की मात्रा है वो क्या होती है दोस्त, अपेक्षाकृत मतलब बहुत अधिक होती है। इसलिए इसकी कार्य करने की जो क्षमता है भी अधिक होती है। तो इसमें जो आपकी कार्य करने की जो क्षमता होती वो भी क्या होती, अधिक होती। अतितप्त भाप का उत्पादन सुपर
हीटर में होता है जो आपकी अतितप्त भाप होती है, सुपर हीटर जो आपकी भाप होती है, भाप का जो उत्पादन है वो सुपर हीटर में होता है। जो भट्ठी की व्यर्थ गैसों से ऊष्मा ग्रहण करता है, इन गैसों की ऊष्मा चिमनी से होकर बाहर निकल जाएगी यदि इसका उपयोग सुपर हीटर में भाप को गर्म करने में ना किया जाए। तो कहने का मतलब ये जो आपका इसका भाप का जो उपयोग है सुपर हीटर में ना किया जाए तो चिमनियों के सहायता से बाहर निकल जाएगी। अतितप्त भाप का उच्च तापमान ऐसे परिणाम देता है जो ऊष्मी दक्षता थर्मल इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। जो आपका नेक्स्ट वाला है 4 नंबर उसको देख लेते हैं। अतितप्त भाप की कुल ऊष्मा की मात्रा शुष्क संतृप्त भाप से अधिक होने के कारण प्रति किलोग्राम भाप से अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त उसकी बात कर लेते हैं। जो इसका 5th पॉइंट है, अतितप्त भाप की अंतर्गत ऊर्जा अधिक होने के कारण भाप का अधिक प्रसार किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप भाप प्लांट की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है 6 नंबर, भाप नलियों तथा सिलेंडर की आंतरिक सतहों पर भाप संघनित कंडेंसन नहीं हो पाती है जिससे सतहों का संचारण भी नहीं होता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। 7 वाला, अपेक्षाकृत कम भाप की आवश्यकता पड़ती है, भाप टरबाइन में ब्लेडों में कटाव नहीं होता है। तो ये थे आपको क्या थी सुपर हीटर जो आपकी स्टीम होती है उसके लाभ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है केवल यही कि अतितप्त भाप के क्या लाभ हैं। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।